उत्तर प्रदेश ना मुरादाबाद ना काठ मा आश्रे एक अठवाडिया पहला धार्मिक स्थल पर थी लाउडस्पीकर उतारी लेवाने लईने उपजेलो विवाद तूल पकड़ी रह्यो छे। विवाद नी चर्चा नु केंद्र बन्या छे भाजप ना धारासभ्य संगीत सोम। सोम ना कहेवा मुजब यूपी नी समाजवादी सरकार विवाद पैदा करी रही छे। તેમનું કહેવું છે કે વિવાદના માધ્યમથી યુપી સરકાર વીજળી પાણી તથા બદહાલ કાયદો અને વ્યવસ્થા પરથી લોકોનું ધ્યાન ભટકાવવા માંગે છે। તેમણે પ્રદેશની સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યો કે સમાજવાદી સરકાર નથી ઇચ્છતી કે હિન્દુ મુસ્લિમ એક થઈને રહે, તેથી જ સપા સરકાર આ પ્રકારના વિવાદને જન્માવી રહી છે। તેમણે કહ્યું કે સમાજવાદીના નેતાઓએ લોકો પર લાઠીઓ કેમ વરસાવી। સોમે કહ્યું કે હિંસા કે વિવાદ કરવાની તેમની કોઈ ઈચ્છા નહોતી, कारण के नमाज समय माइक तेओ बंद करी देता। चूंकि ये कहते हैं कि नई परंपरा डाल रहे हैं माइक लगाने की, हिंदुस्तान में पहली बात तो परंपरा का कोई मतलब नहीं होता, और मंदिर पे पूजा अर्चना करना, मस्जिद में नवाज अदा करना, ये कोई परंपरा नहीं है, ये आस्था का मामला है। और मंदिर पे लाउडस्पीकर बजना ये आस्था, और आईबी की रिपोर्ट, शायद मुझे किसी कल चैनल वाले ने बताया, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आईबी की रिपोर्ट भी ये है कि 6-7 साल से वहां लाउड स्पीकर बजता है, अचानक आज उसे उतार देना, लाठी चार्ज करना, ये तो अराजकता है। इस तरीके से क्या समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण करके इस तरीके से लोगों का वो ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है, जो यूपी में आज लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और आज चरम पे बलात्कार, लूट, हत्याएं हो रही हैं। एसएसपी नो कहू छे के भाजपनी महापंचायत थी मुरादाबाद मा तनाव नी स्थिति वधी छे। रेलवे ट्रैक पर बैसी भाजपना समर्थकोए रस्ताओ रोक्या तो देखावकारोए पुलिस पर पत्थर मारो पण कर्यो। कुछ लोग, बीजेपी समर्थित लोग, बिजनौर और अमरोहा से ट्रेन से और कुछ पैदल रास्ते से यहाँ कांठ में कांठ की तरफ घुस आए और वो रेलवे ट्रैक जो था, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, ट्रेनें रोक दी गई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने डीएम साहब और हमने टीम को का नेतृत्व करते हुए वहाँ पर उन लोगों को खदेड़ना शुरू किया, जिस पर उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उस पथराव में हमारे डीएम साहब के चोट आई। कि अगर लाउडस्पीकर लगवाना चाहते हैं या कोई और नई मस्जिद बनाना चाहते हैं, इसमें हमारे पॉइंट वेरी वेरी क्लियर है कि शासनादेश के अनुसार आप एक प्रॉपर प्रोसीजर इंश्योर कर लीजिए, शासन को भेज दीजिए, शासन हमसे रिपोर्ट मांगेगा तो फिर विषय की सीरियसनेस को देखते हुए हम वहीं पे भेज देंगे। अनुमति जो प्रदान करना है वो हम शासनादेशों के द्वारा, वी हैव टू प्रोसेस द रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम इधर बैठे हैं रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। शुक्रवार महापंचायत में थयेला हंगामा बाद थी अत्यार सुधी मुरादाबाद सळगी रह्यु छे। विवाद ने लईने मुरादाबाद में रेल सेवा बहु खराब रीते प्रभावित थई छे। केटलीक ट्रेनों ना रूट बदली नाखवामां आव्या छे। मुरादाबाद ना कमिश्नर शिवशंकर सिंह कहूं कि मुरादाबाद में तनाव यथावत छे, परंतु स्थिति हाल तो काबू में छे। अतिरिक्त पुलिस दल पण तैनात करी देवामां आव्युं छे, तो पत्थरमारा में घायल थयेला डीएम नी सारवार पण चाली रही छे। तो राजकीय पक्षो पण आ मामले पाछळ रहेवाना मूड में नथी। आम पण आपणा नेताओ फक्त प्रतिक्रियाओ ज आपी जाणे छे। ये संगीत सोम ऐसे जो विघटनकारी लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, इनको कुचलने के लिए सरकार को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कानून और व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत काम मांगती है, और आपके माध्यम से हम फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बीजेपी चाहती और बीजेपी की लीडरशिप आज भी चाहे तो वहां पे शांति हो सकती है। काठना विस्तार में महापंचायत आयोजित करवानो मुद्दो शुक्रवार हिंसक संघर्ष में परिवर्तित थई गयो। भाजपना चार सांसदों तथा एक धारासभ्य सहित केटलाय नेताओनी धरपकड़ करी लेवामां आवी। काठमां राज्य सरकारना आदेशनुं उल्लंघन करता राज्य भाजप द्वारा महापंचायतनुं आयोजन करवामां आव्युं। एक मंदिर में लाउडस्पीकर हटावाने लईने समग्र विस्तार में सांप्रदायिक हिंसानो माहौल फैलाई गयो। सरघणाना धारासभ्य संगीत सोम, अमरोहाना सांसद कुंवरसी तंवर, संभलना सांसद सत्यपाल सैनी तथा रामपुरना सांसद नेपालसिंहनी पुलिसे धरपकड़ करी पुलिस लाइन्स मोकली दीधा हता।
आरएसएस तथा हिंदू महासभा ना समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं ना नेतृत्व में पार्टी ना लोकोए रेलगाड़ी नी लाइनों ने जाम कर दी थी तथा पत्थर मारो कर्यो। त्यारबाद पुलिस से भीड़ ने काबू में लेवा अश्रु गैस छोड़वा पड़ा था। आ समग्र मामले धराई ने राजकारण थई रह्यु छे। राजकीय पक्षों मन मुकीने राजकारण करवामां पड़ी गया छे। आ हिंसा पाछळ एक कारण ए पण छे के नजीकना भविष्यमां ज केटलीक बैठकों पर पेटा चूंटणी थशे। हवे समाजवादी पार्टी भाजप पर आरोप लगावी रही छे अने सपा भाजप पर। आ एकबीजाना दावपेचमां सामान्य जनता जाय तो जाय क्या? आ नेताओए आपेलो एक हिंसानो घाव हजू तो रूझायो पण नथी, त्यां बीजो घा करवानी तैयारी चाली रही छे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी।